गुड इवनिंग स्टूडेंट। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा ये जो चैनल है कॉमर्स एक्सेलेंस, इस चैनल के ऊपर अकाउंट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की वीडियोस अवेलेबल है। देन कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की वीडियोस अवेलेबल है। टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट होता है तो एडवांस टैक्सेशन, देन TY मतलब UG लेवल तक का टैक्सेशन एंड PG लेवल का, तो सभी टैक्सेशन की वीडियोस भी अवेलेबल है। जस्ट आप क्या कर लीजिए कि जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो प्लेलिस्ट मैंने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, और जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है MCOM के, तो उनके लिए NEP की एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसके अंडर जो सब्जेक्ट है उनके NEP के वो सभी सब्जेक्ट मैंने उस प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर एडवांस कॉस्टिंग या फिर एडवांस अकाउंटिंग, इस तरह की भी मैंने सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है MCOM के स्टूडेंट के लिए। तो सभी स्टूडेंट के लिए, मतलब जो CMA के स्टूडेंट है, CA के स्टूडेंट है, तो सभी स्टूडेंट एंड सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, अकाउंट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर। सिर्फ आप प्लेलिस्ट चेक करते जाइए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट देती हूँ वो आप चेक कर लीजिए, और वहां से आपके जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स की वीडियोज आप देख सकते हैं। और जो भी अपडेटेड वीडियोस है, मतलब जो भी नए नए प्रॉब्लम्स है, तो उनकी वीडियोस में अपडेट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी, जिसका दूसरा नाम है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी, या फिर सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी। इस टॉपिक का हम आज 5th नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। मैंने अब तक 3 प्रॉब्लम की वीडियो अपलोड की है, ये मैं 5th नंबर का प्रॉब्लम ले रही हूँ, देन 4th नंबर का लूंगी। तो ये जो है ये टॉपिक सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर इनको है टॉपिक है, और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या फिर CA CMA के स्टूडेंट जिनके सिलेबस में सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी ये टॉपिक है, वो सभी स्टूडेंट ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ABC एज ऑन 31st मार्च 2024। बैलेंस शीट हमें दिया गया है। तो बैलेंस शीट हमें दिया गया है, यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, A, B एंड C। लायबिलिटी साइड में तीनों का कैपिटल है। रिजर्व फंड जो है वो हम तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर प्रिंट होते वक्त ये जो अमाउंट है थोड़ी सी नीचे दी गई है, तो रिजर्व फंड के अमाउंट 3,000 है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में हम रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन 2 लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जिनकी पोस्टिंग हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। एसेट साइड में लैंड, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट एंड कैश है। तो यहाँ तक लैंड से लेकर इन्वेस्टमेंट तक की जो अमाउंट है वो सभी एसेट्स हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, और कैश का बैलेंस कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। अभी एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है पार्टनरशिप फर्म वॉज कन्वर्टेड इनटू एक्स लिमिटेड। तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक्स लिमिटेड में कन्वर्ट हुई। हु टुक द फॉलोइंग एसेट एट द वैल्यू स्टेटेड बिलो। तो जो एक्स लिमिटेड न्यू कंपनी है, उन्होंने जो पार्टनरशिप फर्म है उनके एसेट्स की जो वैल्यूएशन है इस तरह से ली है। लैंड 50,000, मशीनरी 20,000, स्टॉक 15,000, डेटर्स 15,000, इन्वेस्टमेंट की भी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 1,000 प्रिंट हुआ है लेकिन कॉमा यहाँ पर है, सो ये 10,000 के अमाउंट है। आप भी अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें ये करेक्शन कर लीजिए। गुडविल है 14,000। तो ये जो एसेट्स है इनकी वैल्यूज हम लेंगे, ये जो वैल्यूज दी गई है वो लेंगे हम परचेज कंसिडरेशन का जो स्टेटमेंट है वहां पर। और फर्म ने क्या किया है, क्रेडिटर्स पेड किए हैं, मतलब न्यू कंपनी ने कौन सी भी लायबिलिटी नहीं ली है, तो क्रेडिटर्स जो है वो फर्म ने पेड किए हैं, बिल्स पेबल भी फर्म ने पेड किए हैं। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल हमें रियलाइजेशन के डेबिट साइड में और कैश के क्रेडिट साइड में इस तरह से इसका इफेक्ट देना पड़ेगा। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बताए गए हैं, तो वो भी हम रियलाइजेशन के डेबिट में एंड कैश के क्रेडिट में लिखेंगे, मतलब जो परचेज कंसिडरेशन है उसमें कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। देन एक्स लिमिटेड ने जो परचेज कंसिडरेशन है वो किस तरह से पेड किया है, तो ₹99,000 की इक्विटी शेयर दिए हैं, जिनकी एक शेयर की वैल्यू 10 है, मतलब 9,900 इक्विटी शेयर दिए हैं। तो
10 इंच, तो ऐसे रुपीज कितने हुए, 99,000, एंड बैलेंस इन कैश। तो फर्स्ट हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, और वो जो परचेज कंसिडरेशन है वो डिस्चार्ज कैसा हुआ है, तो 99,000 जो है इक्विटी शेयर्स में है, और कैश में जो है वो है बैलेंसिंग अमाउंट। तो फर्स्ट हम लेंगे परचेज कंसिडरेशन का स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट के अनुसार एसेट्स लेने वाले हैं, तो पहले हम परचेज कंसिडरेशन का स्टेटमेंट ले रहे हैं। तो नेट एसेट टेकन साइड में हम लेंगे लैंड 50,000, मशीनरी 20,000, ये सभी अमाउंट्स हम जो है एडजस्टमेंट में से ले रहे हैं। स्टॉक 15,000, सन्ड्री डेटर्स 15,000, देन इन्वेस्टमेंट 10,000, एंड गुडविल 14,000, इनकी टोटल आई 1,24,000, लेस लाइबिलिटीज नील है, मतलब कोई भी लाइबिलिटी न्यू कंपनी ने टेक ओवर नहीं की है, तो हमारी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट आई 1,24,000। अभी परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज कैसे हुआ है, 9,900 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो 99,000 जो है इक्विटी शेयर्स में आए, तो 1,24,000 में से हम 99,000 माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैश में आई है 25,000। तो इस तरह से हमने पहले परचेज कंसिडरेशन का स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया। अभी हम अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे, तो अकाउंट में हम कौन कौन से अकाउंट ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंडली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो ड्रॉ करेंगे। थर्ड कैश अकाउंट, फोर्थ न्यू कंपनी का मतलब एक्स लिमिटेड का अकाउंट, एंड इक्विटी शेयर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विटी शेयर्स अकाउंट। इस तरह से हम फर्म के बुक में अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे। अभी पोस्टिंग जो है हम कौन सी भी साइड लेंगे, रियलाइजेशन की डेबिट साइड ले लीजिए या फिर क्रेडिट साइड लीजिए, तो हम डेबिट साइड से पोस्टिंग करेंगे। लैंड से लेकर इन्वेस्टमेंट तक की सभी एसेट्स जो है रियलाइजेशन के डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी। तो फर्स्ट हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में 1 बाय 1 एसेट पोस्टिंग कर रहे हैं। टू लैंड 40,000, टू मशीनरी 25,000, टू स्टॉक 17,000, टू डेटर्स 22,000, टू इन्वेस्टमेंट 13,000। अभी जो कैश का बैलेंस है वो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। इस तरह से हमने एसेट साइड की पोस्टिंग की। अभी लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड में फर्स्ट कैपिटल का बैलेंस है, वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अभी आपने पूरा प्रॉब्लम देखा, तो यहाँ पर कहीं भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मेंशन नहीं किया है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया तो हम इक्वल रेशियो समझ लेते हैं, सो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए बी एंड सी तीनों का कैपिटल 20,000, 30,000, 40,000। अभी रिजर्व फंड जो है वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3,000 का रिजर्व फंड था, तो 1,000, 1,000 ईच पार्टनर, तो ए को 1,000, बी को 1,000, सी को 1,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली। अभी नेक्स्ट जो है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो ये दोनों लाइबिलिटीज हम पोस्टिंग करेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम दो लाइबिलिटीज पोस्टिंग कर रहे हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल 20,000 एंड 6,000। इस तरह से हमने बैलेंस शीट की पोस्टिंग कर ली। बैलेंस शीट का सिंगल इफेक्ट होता है। अभी हम परचेज कंसिडरेशन की एंट्री करेंगे। तो परचेज कंसिडरेशन जो है पहले ड्यू दिखाना होता है, बाद में डिस्चार्ज करना होता है। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय एक्स लिमिटेड अकाउंट परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट 1,24,000 इन ब्रैकेट परचेज कंसिडरेशन ड्यू। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा एक्स लिमिटेड के डेबिट साइड में। तो जो न्यू कंपनी का अकाउंट है एक्स लिमिटेड का, उसके डेबिट में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,24,000। ये हो गई परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री। अभी परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज कैसे हुआ है, तो इक्विटी शेयर में 99,000 है एंड कैश में 25,000 है। सो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 99,000 एंड बाय कैश अकाउंट 25,000। यहाँ पर आप ये अकाउंट टैली दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी और कोई भी पोस्टिंग या फिर एंट्री नहीं होने वाली। सो ये अकाउंट यहाँ पर टैली हो गया 1,24,000, 1,24,000 को। अभी सेकंड इफेक्ट देंगे हम इक्विटी शेयर्स के डेबिट में एंड कैश के डेबिट में। सो इक्विटी शेयर्स अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट इक्विटी शेयर्स के डेबिट में टू सॉरी टू एक्स लिमिटेड अकाउंट 99,000
अभी कैश के डेबिट में हम इफेक्ट देंगे, कैश के डेबिट साइड में। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट 25,000, इस तरह से परचेज कंसिडरेशन ड्यू एंड डिस्चार्ज की एंट्री हो गई। अभी रिमेनिंग एडजस्टमेंट में क्रेडिटर्स जो है फर्म ने पेड किए हैं, देन बिल्स पेबल फर्म ने 100% पेड किए हैं, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी फर्म ने पेड किए हैं। तो तीनों पेड किए हैं, तो इसका पहला इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखिए टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स जो है वो 90% में, सॉरी 95% में पेड हुए हैं। सो 95% मतलब 5% डिस्काउंट, तो 5% डिस्काउंट हमने निकाला क्रेडिटर्स के ऊपर, वो आ गया 1,000। 1,000 माइनस करके 19,000 लिए। बिल्स पेबल 100% बताए थे, तो बिल्स पेबल पूरे 6,000 लिए, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 बताए थे, इनकी टोटल आउटर में 27,000। अभी इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 27,000। सभी एडजस्टमेंट पूरी हो गई है, तो अभी अकाउंट हम क्लोज करेंगे। तो पहले हम जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्लोज करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है 1,50,000, हमने डेबिट को लिखी 1,50,000। इसमें से डेबिट माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आई वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 6,000 का प्रॉफिट आया है। इक्वली 2,000, 2,000, 2,000 इस तरह से हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए बी एंड सी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए 2,000, बी 2,000 एंड सी 2,000। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले से हमारी ये दो एंट्रीज थी, बैलेंस था, देन रिजर्व फंड था। अभी हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ए के कॉलम में 2,000, बी के कॉलम में 2,000, सी के कॉलम में 2,000। अभी टोटल करनी है 20,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000, टोटल आई 23,000, यहाँ पर 33,000, यहाँ पर 43,000। अभी हमें इनका रेशियो निकालना है, क्योंकि इक्विटी शेयर जो है इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो मैंने यहाँ पर रेशियो निकाल के दिखाया है, देखिए 23,000, 33,000, 43,000। तो 0,0 कैंसिल करेंगे तो रेशियो आया 23:33:43। इनकी मैंने टोटल की तो टोटल आई 99। तो हम जो 99,000 के शेयर है ना वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी इक्विटी शेयर्स में पहली एंट्री ये थी, अभी क्रेडिट साइड में बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल। तो इनको हम 99,000 को 99 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 का एक शेयर आएगा। अभी रेशियो क्या है, 23:33:43। तो इनको 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,000, 33,000 एंड 43,000। अभी एक्स लिमिट सॉरी इक्विटी शेयर्स का अकाउंट जो है वो टैली हो गया 99,000 को। इसकी सेकंड इफेक्ट जो है वो हमें देना है कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। सो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम इफेक्ट देंगे टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट 23,000, 33,000, 43,000। ए के कॉलम में 23,000, बी के कॉलम में 33,000, सी के कॉलम में 43,000। अभी देखिए क्रेडिट की भी टोटल उतनी ही थी और डेबिट की भी टोटल उतनी ही है, मतलब ये जो कैपिटल अकाउंट है टैली हो रहा है। तो टैली हो रहा है तो यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। सो बैलेंस नहीं आएगा मतलब कैश में कोई भी पोस्टिंग नहीं होगी कैपिटल में से। तो कैश अकाउंट में क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। इस प्रॉब्लम में ये अलग बात है कि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, टैली हुआ है। यहाँ पर कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आई है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ साइड आर सेम। सो हम अभी कैश अकाउंट की ओर जाते हैं, कैश अकाउंट हमें टैली करना है। तो देखिए डेबिट में 2,000, 25,000 यानी कि 27,000 है, क्रेडिट साइड में भी 27,000 है। तो कैश अकाउंट भी हमारा टैली हुआ है 27,000 को। तो यहाँ पर हमारे सभी अकाउंट्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं। हमारा ये पीसी का स्टेटमेंट है, देन हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, एक्स लिमिटेड अकाउंट, एंड इक्विटी शेयर्स अकाउंट। अभी हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त हम क्या करते हैं, हमारा जो पीसी का स्टेटमेंट है वो सामने रखते हैं और सेम उसी की तरह से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए हमारे जो पीसी का स्टेटमेंट है परचेस कंसिडरेशन का, तो
ये जो सभी एसेट्स है वो एसेट साइड में आएगी। लाइबिलिटीज नील है, तो लाइबिलिटी साइड में कोई भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 99,000 का, और हम लाइबिलिटी में कैश नहीं लिखते, तो हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000। इस तरह से हम सेम इसी तरह से बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो ऊपर लिखिए बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2024। लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल 9,900, इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, अमाउंट के कॉलम में 99,000, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000। एसेट साइड में हम सभी एसेट्स ले रहे हैं एज पर परचेस कंसिडरेशन के स्टेटमेंट के अनुसार। तो लैंड 50,000, मशीनरी 20,000, स्टॉक 15,000, कंट्रीब्यूटर्स 15,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, गुडविल 14,000, और हमारा बैलेंस शीट जो है वो टैली हो रहा है 1,24,000 को। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। और वन बाय वन मैं सभी प्रॉब्लम्स, मतलब 10 to 15 प्रॉब्लम जो है वो हर एक टॉपिक पर अपलोड करने वाली हूँ। आप सभी स्टूडेंट जो है, मतलब FY BCOM के हो या और क्लास के स्टूडेंट हो, तो वो सभी स्टूडेंट सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करते जाइए, आपको जो टॉपिक चाहिए उस टॉपिक की 10 to 15 वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, और कुछ कुछ टॉपिक की 20 to 25 वीडियोस अवेलेबल है। सभी क्वेश्चन पेपर्स जो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की, अब तक मतलब जो लेटेस्ट प्रीवियस एग्जाम हुई है वहां तक की सभी क्वेश्चन पेपर की सभी सॉल्यूशंस की वीडियोस भी अवेलेबल है। उसके लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है SPPU क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।